अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो मेन कूलिंग टावर से जो लाइन आती है वो चिलर से और दोबारा चिलर से दोबारा जो कूलिंग टावर में लाइन जाती है उसमें कौन कौन से वाल्व्स इस्तेमाल किए जाते हैं और वो किस किस जगह पर लगाए जाते हैं और इनका क्या मकसद होता है उस जगह पर लगाने का। इसी तरह चिल्ड वाटर की लाइनों में जो मेन वाल्व इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पर और उनका क्या काम होता है। तो दोस्तों, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो होगी वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका ये आप देख रहे हैं कंडेंसर वाटर मोटर है और ये कपलिंग है, इसके बाद हमारा ये इंपेलर है। तो हम इस इंपेलर से शुरू करते हैं और सबसे पहले आप ये देख रहे हैं हमारी सक्शन लाइन है, जो पानी हमारा कूलिंग टावर से वापस आ रहा है। सबसे पहले उस लाइन में ये आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन गेट वाल लगा हुआ है, जो हमारी सक्शन लाइन पे सबसे पहले ये मेन गेट वाल लगा हुआ है। उस गेट वाल का क्या मकसद है लगाने का इस जगह पर? सबसे पहले अगर हम इस वाल इसके नीचे आप देख रहे हैं, ये हमारा स्ट्रेनर है और इससे ये पानी आगे जाता है। तो इस वाल को अगर हम बंद करेंगे तो जो हमारा कूलिंग टावर से पानी आ रहा है वो आना बंद हो जाएगा। अगर हमने इसका स्ट्रेनर साफ़ करना है या हमने इसकी पंप वगैरह इंपेलर की रिपेयरिंग वगैरह करनी है तो हम इस वाल को बंद करके, ये इसका मेन वाल है, अगर हम इसको गेट वाल को बंद करके तो हम इसका पानी को रोक सकते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इसमें ये स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर के बाद आप अगर हम इससे आगे चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा एक ये छोटा सा एक बॉल लगा हुआ है। ये हम अगर इस वाल हमने इसकी गेज वगैरह को चेंज करना है तो हम इस वाल को बंद करके हम इसके, क्योंकि इसमें पानी का प्रेशर होता है, तो हम इस वाल को बंद करके इसकी हम गेज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इससे जो अगला वाल है ये आप देख रहे हैं इसी लाइन में, जो इस वाल के बाद मेन वाल है, अगर हम इस वाल को बंद कर देते हैं तो इस वाले हिस्से में, इस लाइन में, इस जगह पे हमारा पानी रह जाएगा। इस पानी यहाँ से पानी को निकालने के लिए आप ये देख रहे हैं इसके नीचे वाले हिस्से पे ये एक वाल लगा होता है, ये वाल है, इस वाल को वाल कहते हैं। और ये अगर हम इसको खोल देंगे तो जो इस लाइन में पानी रह गया था इस वाल के बाद वाले हिस्से में, तो वो पानी यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद इससे आगे जो अगर हम चलते हैं तो ये हमारा इंपेलर आ जाएगा, इंपेलर के बाद ये हमारा एक और वाल लगा हुआ है, ये हमारा जो वाल है ये भी गेज के प्रेशर को, अगर हम इसके गेज को चेंज करना चाहते हैं तो ये वाल को बंद कर देंगे तो ये हमारा पानी बाहर नहीं आएगा। उसके साथ ही ये आप देख रहे हैं ये एक वाल लगा हुआ है, ये दो फ्लंच के दरमियान ये एक वाल लगा हुआ है, ये नॉन रिटर्न वाल, इसको नॉन रिटर्न वाल कहते हैं। कि ये जो इस वाल का मकसद क्या है लगाने का, कि जो पानी यहाँ से इंपेलर प्रेस कर रहा है तो ये हमारा लाइन में डिस्चार्ज होगा। अगर हम इसको वाल प्रेशर पंप को बंद कर देते हैं तो जो इस लाइन में पानी है वो वापस इस इंपेलर में ना आए, ये जो पानी को वापस आने से रोकता है ये नॉन रिटर्न वाल। इस वाल का लगाने का मकसद होता है कि बैक प्रेशर इसका पानी का वो ना आए। उसके बाद हमारा एक आगे लगा हुआ है बैलेंसिंग वाल, ये आप देख रहे हैं ये हमारा बैलेंसिंग वाल लगा हुआ है। बैलेंसिंग वाल का क्या काम होता है कि जो पानी हम इसके बाद ये लाइन हमारी जा रही है चिलर में, हमें जो चिलर में रिक्वायर्ड प्रेशर होता है पानी का, हम यहाँ से उस प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। इस यहाँ से हम प्रेशर को कम या ज़्यादा, पानी के प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी आप देख रहे हैं लाइन चली जाएगी हमारे चिलर को। तो अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ इस लाइन के आगे और कौन से बॉल लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं इस जगह पे भी हमारी ये गेज लगी हुई है, जो चिलर में एंटर पानी का जो प्रेशर है उसको शो करेगा ये। लेकिन यहाँ पे भी एक वाल लगा हुआ है, अगर ये गेज हमारी ख़राब होती है तो हम इस वाल को बंद करके ये हमारी गेज का प्रेशर पानी बंद करके हम इसकी गेज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी लाइन जाएगी चिलर में एंटर होगी। तो इसके आप देख रहे हैं इसके भी इस लाइन में अगर हम पीछे से पानी बंद कर देते हैं बैलेंसिंग वाल से, जो मेन हमारा वाल था बड़ा, तो जो इस लाइन में पानी रह जाएगा ये वाली रेड वाली लाइन में कंडेंसर की लाइन में,
इस पानी में या इस वाले एब्जॉर्बर से या जो कंडेंसर का पानी है उसको हमने ड्रेन करना है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं इसकी, इसके भी नीचे हमने एक वाल लगाया गया है, ये आप देख रहे हैं ये वाल है जो इन लाइनों में से पानी को ड्रेन कर देगा। ठीक है, ये पानी इन लाइनों में से, ये जो ड्रेन है ये लगाने का मकसद है कि जो इन इस पाइप में पानी और जो अब्जॉर्बर का पानी हमने ड्रेन करना है वो इस लाइन के ज़रिए, इस बॉल वाल है ये, इस बॉल वाल के ज़रिए हम इसको ड्रेन कर देंगे। उसके बाद ये पानी इस अब्जॉर्बर में एंटर होगा और हमारे ऊपर इससे आप देख रहे हैं ये वाले हिस्से से निकल के हमारे कंडेंसर में चला जाएगा। तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ जो कंडेंसर में से जो पानी आउट हो रहा है उसके ऊपर मेन वाल कौन से लगे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जो पानी हमारा चिलर में एंटर हुआ वो जब आउट होगा कंडेंसर से, जो हमारे वापस कूलिंग टावर में लाइन जाएगी, वो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं ये हमारे कंडेंसर के ऊपर एक वाल लगा हुआ है। ये वाल बेसिकली लगाने का मकसद क्या है कि जो इस पानी के साथ हमारी एयर इस कंडेंसर में रह जाएगी वो इस लाइन के ज़रिए हमारे इसके ऊपर एयर पर्ज वाल लगा हुआ है, जो एयर आ जाएगी इस पानी के साथ हमारे चिलर में, तो अगर हम इस वाल को खोल देंगे तो वो हमारी एयर इस पानी से निकल जाएगी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं इससे आगे जो हमारा वाल लगा हुआ है, हमारी एक ये भी गेज लगी हुई है, उसके बाद इसका भी अगर हमने इसकी गेज चेंज करनी है तो वाल को बंद करके हम इसकी गेज चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप इस मेन लाइन में जो हमारे कूलिंग टावर से कूलिंग टावर को जा रही है, इसके चिलर से आउट है, इस पर भी एक मेन गेट वाल लगाया गया है। अगर हम इस वाल को बंद कर देंगे तो ये पानी हमारे कूलिंग टावर को जाना बंद हो जाएगा, जो हमारे कूलिंग टावर को सप्लाई जा रही है। तो इससे आगे जो वाल लगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारी चिलर से आउट लाइन हुई हमारे जो मेन गेट से आगे जो वाल है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये एक गेट वाल लगा हुआ है, छोटा एक गेट वाल है जो हमारी मेन लाइन से दूसरी साइड पे आ रहा है। ये आप देख रहे हैं इसमें एक गेट वाल लगा हुआ है, 2 इंच का गेट वाल है, उसके साथ आप देख रहे हैं स्टेनर है, स्टेनर के साथ हमारा एक सोलेनॉइड वाल लगा हुआ है। ये वाल बेसिकली लगाने का मकसद इस जगह पे क्या है कि जो हमारे पानी की पीएच वगैरह हाई जो हो जाती है, उसमें जो स्केल वगैरह आ जाती है, वो पानी हमारा उसमें हमने फ्रेश पानी ऐड करना होता है, तो जो पानी हमारा ड्रेन होगा पानी की हार्डनेस की वजह से, वो हमारा पीएच मीटर से ज़रिए ये सोलेनॉइड वाल को कंट्रोल करके इस लाइन के ज़रिए हमारा पानी वो ड्रेन हो जाएगा और उसमें नया पानी फीड हो जाएगा। ये हमारी ब्लो डाउन की लाइन होती है जो हमारे मीटर से सेंस करके मेन लाइन को पानी के पीएच को सेंस करके या उसके टीडीएस वगैरह सेंस करके, तो ये हमारे मोटराइज वाल कंट्रोल होता है उस मीटर से। तो अब ये देख रहे हैं इस लाइन के ज़रिए हमारा पानी ड्रेन हो जाएगा और वो हमारी मेन ड्रेन यानी कि सीवरी सिस्टम में वो पानी चला जाएगा। उसके बाद इससे जो आगे वाल है हमारा, ये आप देख रहे हैं जो पानी की पीएच सेंस करने के लिए वाल लगाए गए हैं, ये आप देख रहे हैं ये जो वो वाल हैं जो हमारी कूलिंग टावर की लाइनों में से निकल के हमारे पीएच मीटर और सेंसर में जा रहे हैं, जिसमें सेंसर लगाए गए हैं पीएच के। तो दोस्तों जो लाइनें हमारी नीचे से दोबारा पानी कूलिंग टावर को लेके आएंगी वो लाइनें मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ऊपर वाली आप लाइनें देख रहे हैं, ये जिस हाइडर से निकल रही ये वाली लाइन, ये हमारी वो लाइन है जो वापस जा रहा पानी, लेकिन जो नीचे से आ रही है वो ये आप देख रहे हैं ये नीचे वाला जो हाइडर है, ये आप देख रहे हैं ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये नीचे से चिलर से आ रही हैं लाइनें, ये आप देख रहे हैं ये लाइन, ये हाइडर से जो लाइनें आगे दो निकल रही हैं लाइनें, ये आप देख रहे हैं एक ये वाली लाइन, ये हाइडर से निकल रही है लाइन, और एक इससे आगे वो जो लास्ट पे हाइडर से लाइन निकल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ ये लाइन, ये आप देख रहे हैं ये दो लाइनें हमारी नीचे से आ रही हैं जो इस हाइडर में आ रही हैं, और इस हाइडर से दो लाइनें निकल रही हैं। ये लाइनें हमारे कूलिंग टावर के टॉप पे जा रही है, एक ये वाली लाइन, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये एक ये लाइन निकल रही है, ठीक है आप देख रहे हैं ये लाइन हमारी जा रही है, इस लाइन के साथ कनेक्टेड है, इस लाइन में से आगे ब्रांचेस निकल रही हैं, ये आप देख रहे हैं जो कूलिंग टावर के टॉप पे लाइन जा रही है, ये इस लाइन के उस टॉप की जो ट्रे है उस बेस के ऊपर ट्रे के ऊपर पानी को स्प्रे करेगी। इस मेन लाइन में सबसे पहले जो वाल लगा हुआ है ये बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है,
बटरफ्लाई वाल्व बेसिकली पानी को ऑन ऑफ करने के लिए हम इसको लगाते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है ये है कि ये आप देख रहे हैं थोड़ी सी जगह के अंदर ये वाल्व लग चुका है। अगर इसी लाइन में हम एक और वाल्व लगाते तो ये वाल्व हमारा इस तरह का वाल्व गेट वाल्व लगाते तो उसने जगह बहुत ज़्यादा घेरता है, वो ज़्यादा जगह उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, ये जगह कम इस्तेमाल करता है ये वाल्व। इसका बेसिकली मकसद ये है। आप देख रहे हैं ये इतनी सी जगह पे ये वाल्व ऑपरेट हो जाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये आप देख रहे हैं ये आप कितनी जगह इसने इस वाल्व ने ली हुई है इस लाइन में। तो ये बटरफ्लाई लगाने का एक ये भी एक फ़ायदा होता है जिसकी वजह से हम इसका ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लगा हुआ है ये बैलेंसिंग वाल्व लगा हुआ है, फिर बैलेंसिंग वाल्व के हम इसको कूलिंग टावर की ट्रे के हिसाब से इसको पानी को बैलेंस कर सकते हैं। जितना पानी ट्रे में रिक्वायर्ड होता है हम इस बैलेंसिंग वाल्व से कंट्रोल कर सकते हैं। कूलिंग टावर के जितने शेल होंगे उतनी ही ये लाइनें आप देख रहे हैं इस लाइन में से, इस मेन लाइन में से उतनी ही ये लाइनें निकलेंगी। यहाँ देख रहे हैं एक शेल ये है, उसके बाद ये भी एक शेल है, और हर लाइन पे एक बटरफ्लाई वाल्व होगा और एक बैलेंसिंग वाल्व होगा। उसके बाद ये पानी चला जाएगा हमारे कूलिंग टावर के टॉप पे और वो फिन्जों के ऊपर स्प्रे होगा। स्प्रे होने के बाद ये जब हमारी बेस में नीचे सम्प में आएगा तो सम्प में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा मेन वाल्व होता है और जो पानी को वापस लेके जाता है। ये आप देख रहे हैं ये सामने हमारे सम्प में पानी जो इकट्ठा होगा ये रेड लाइन है, जो इस लाइन के जरिए जब वो वापस कंडेंसर पंप को जाएगा चिल्लर में जाने के लिए तो इस लाइन में से जाएगा। ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी एक बटरफ्लाई वाल्व लगा हुआ है। ये भी हम अगर इस जो वापसी है हमारी चिल्लर को तो हम अगर उस पानी को रोकना चाहते हैं तो हम इस बटरफ्लाई वाल्व को बंद करके ये पानी चिल्लर को सप्लाई होने से रोक सकते हैं। ये हमारे हाइडर में जाएगा, हाइडर से नीचे हमारा कंडेंसर की सक्शन लाइन पर जाएगा, उसके बाद वो कंडेंसर इसको प्रेशराइज करके ये चला जाएगा हमारे चिल्लर में। तो ये देख रहे हैं इस लाइन जितनी भी इसके शेल होंगे ये उतनी ही लाइनें निकलेंगी उसमें से भी। तो ये आप देख रहे हैं इसी तरह इसी सम में से इस शेल में से कूलिंग टावर से एक ऊपर नोजल को स्प्रे के लिए लाइन होगी और दूसरी इसके सक्शन और लाइन होगी जो इसकी सम में होगी। ये आप देख रहे हैं इस लाइन में से ये आप देख रहे हैं ये भी एक लाइन, इस हर लाइन पे एक बटरफ्लाई वाल्व लगा होगा। हर शेल के नीचे जो लाइन निकल रही है उसमें ये बटरफ्लाई वाल्व दिया गया है इसके पानी को ऑन ऑफ। अगर हम इस पानी को वाल्व को बंद कर देंगे तो ये वाल्व ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी सम्प में वाल लगे हुए हैं, सम्प में कौन से वाल इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप इसके ऊपर भी ये तीन किस्म के वाल लगे हुए हैं, एक ये वाल लगा हुआ है और दो ये वाल लगे हुए हैं। इसमें ये जो वाल है ये हमारा फ्लोट वाल से कनेक्टेड है, मेकअप वाल का है ये वाल। अगर हम खोल देंगे तो हमारे मेकअप के वाल के ज़रिए ये हम वैसे के खोल के रखते हैं क्योंकि इसके आगे फ्लोट वाल लगा होता है, तो ये वाल फ्लोट वाल से कनेक्टेड है मेकअप का वाल। और अगर हम इसमें मैन्युअली पानी फीड करना चाहते हैं तो हम इस वाल को खोल देंगे। इस कूलिंग टावर में ये बॉल वाल है पीवीसी के, तो इस वाल को खोलने से हम मैन्युअली इसमें कूलिंग टावर में पानी फीड कर सकते हैं। उसके बाद ये लगा हुआ है एक वाल, ये ओवरफ्लो की लाइन है, पानी अगर एक लेवल से ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारी ड्रेन में चला जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाल खोलते हैं तो आप ये देख रहे हैं ये नीचे वाली ड्रेन है। अगर हम कूलिंग टावर को खाली करना है, इसकी सम्प को भी खाली करना, तो हम ये वाल खोल देंगे तो हमारी जो सम्प बिल्कुल खाली हो जाएगा कूलिंग टावर से, तो ये सारा पानी निकल के हमारे ड्रेन में चला जाएगा। तो दोस्तों ये मेन वाल्व होते हैं किसी भी कूलिंग टावर में। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए।